डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में बेटा हमने बात की थी किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP की। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज यही हमारा टॉपिक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लेते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता होगा तो हम एलिवेशन कैसे निकालेंगे उसमें। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर। अब है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा बेटा, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये है एक लाइन, इस लाइन में यहां पे मैंने इसे वेपर प्रेशर डिनोट किया हुआ है और यहां मैंने इसे टेम्परेचर के साथ डिनोट किया हुआ है। ये टेम्परेचर है केल्विन में। क्लियर। अब देखना, यहां से अगर ये लाइन आती है, इक्वल हो जाती है सभी के, तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, यानी कि यहां पे सभी लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। जहां से ये कट हुआ है, इनको हम कुछ इस तरह से नीचे की साइड में ले आते हैं, कहां पे, टेम्परेचर वाली साइड में। अभी मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसे मैंने नाम दिया है ए, इसे दिया है बी, इसे दिया है सी, ये ई है, सॉरी ये डी है और ये ई है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन फर्स्ट एंड दिस इज सॉल्यूशन सेकंड। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे P नॉट, जहाँ पे D बना हुआ है, D के साथ में हम लगाएंगे P1 और ये P2। क्लियर। ये वेपर प्रेशर हो गए हमारे। यहाँ ये TV, ये स्मॉल B लगेगा साथ में, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। अब देखिएगा वैल्यू किसकी ज़्यादा है,
जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इधर जाएगा तो टी वी सबसे छोटा होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, फिर टी वन की वैल्यू ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा टी टू की होगी। एक्चुअली ये डायग्राम मैंने बनाया क्यों है, इसका रीज़न है कि जब ये डायग्राम हमारा बना है तो ये प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ से इस लाइन को अगर मैं पीछे की साइड लेके आता हूँ तो ये लाइन आएगी यहाँ पे, इसे मैं पीछे लाऊँ तो ये आएगी, और यहाँ अगर मैं पीछे लाऊँ तो ये आएगा, है ना। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो लाइनें हैं यहाँ पे, ये वेपर प्रेशर की लाइन है। देखिए अगर कोई प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे जाकर के ये क्या होगा, वॉयल करना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वॉयलिंग पॉइंट होगा वो नीचे की साइड देखिएगा सबसे कम होगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो सॉल्यूशन फर्स्ट का वॉयलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा है, यानी कि टी वन की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जो एलिवेशन है यानी कि जो वॉयलिंग पॉइंट का बढ़ना हुआ है उसे हम कैसे लिखेंगे, एलिवेशन ऑफ वॉयलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वॉयलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी वी। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि टी वन की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन फर्स्ट का जो टेम्परेचर है, वॉयलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा हो गया है किससे, प्योर सॉल्वेंट से, क्लियर। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टी वी वन। इसी तरह से अब मैंने सेकंड सॉल्यूशन लिया है, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या किया है, मैंने इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट मिला लिया है। जब सॉल्यूट मैंने इसमें ज़्यादा मिक्स कर लिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सेम होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वी, टी टू माइनस टी वी, तो ये हो जाएगा डेल टी वी टू। ओके, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मीनिंग ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में अगर हम क्या करें, सॉल्यूट को मिक्स कर दें, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिक्स कर दें, तो सॉल्वेंट का जो वेपर सॉरी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर डिजॉल्विंग द सॉल्यूट, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड, क्लियर। तो ये डायग्राम मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में देखिएगा टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए वी डी एंड ए सी ई। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिएगा इस डायग्राम में, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमिलर ट्राइंगल ए वी डी एंड ए सी ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए वी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, क्लियर। इन दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा, ए वी की वैल्यू क्या है, ए वी, ए वी अपॉन ए सी लिखा हुआ है, तो ए वी की वैल्यू कितनी हो गई, ए वी की वैल्यू हो गई टी वन माइनस टी वी, क्लियर।
और एसी की वैल्यू कितनी हो गई, टी टू माइनस टी वी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए वी की वैल्यू होगी है टी वन माइनस टी वी अपॉन टी टू माइनस टी वी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। ए डी, ए डी की वैल्यू देखिएगा कहाँ से आ रही है, ए डी की वैल्यू हो गई यहाँ पे पी नॉट माइनस पी वन और ए ई की वैल्यू हो गई पी नॉट माइनस पी टू। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट माइनस पी टू। अब इन दोनों तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं डेल टी वी वन अपॉन डेल टी वी टू इजक्वल टू डेल पी वन अपॉन डेल पी टू। ओके, कोई दिक्कत? इट मीन्स ये डेल टी वी, डेल टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। क्लियर? डेल टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, ये चीज़ समझ में आ गई?